ठीक है बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। हमारे पास क्या दे रखा है, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू -1, 1 बी सच डेट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3π/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन दोनों का वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल और जेड वेरिएबल, ये -1 से लेके 1 के बीच में है, ठीक है, इंक्लूडिंग -1 इंक्लूडिंग 1। और हमें क्या करना है, और क्या गिवन है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3π/2। तो हमें फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, एक्स टू द पावर 218 प्लस वाई टू द पावर 219 प्लस जेड टू द पावर 220। तो हमें क्या पता है, सॉल्यूशन पे आते हैं, हमें क्या पता है, वी नो डेट फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू -1, 1 मैक्सिमम ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज π/2। हमें पता है ना कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और साइन इनवर्स एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, π/2। किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, एट एक्स इज इक्वल टू 1। और साइन इनवर्स एक्स का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, -π/2। किस पॉइंट पर होगा, एट एक्स इज इक्वल टू -1। ये हमें ऑलरेडी पता है। अब क्या है कि साइन इनवर्स एक्स जो क्वेश्चन में गिवेन है, एक तो ये बोल रहा है कि एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू -1, 1 एक तो ये बोल रहा है, और दूसरा जो इसमें इंफॉर्मेशन गिवेन है वो ये गिवेन है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3π/2। तो 3π/2 को तुम क्या लिख सकते हो, 3π/2 को तुम लिख सकते हो π/2 + π/2 + π/2। और हमें पता है क्या है कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स जेड ये मिलकर इन तीनों का सम 3π/2 है। ये तभी पॉसिबल है जब साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, साइन इनवर्स वाई का वैल्यू π/2 हो जाए, ये भी मैक्सिमम हो जाए, साइन इनवर्स जेड का भी वैल्यू क्या हो जाए, π/2 हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। बिकॉज ये जो 3π/2 है, साइन इनवर्स एक्स के मैक्सिमम वैल्यू को, साइन इनवर्स वाई के मैक्सिमम वैल्यू को और साइन इनवर्स जेड के मैक्सिमम वैल्यू को जब तुम ऐड करोगे तभी जाके ये 3π/2 हो सकता है। अगर तुमने ना साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स जेड इन दोनों का तो मैक्सिमम वैल्यू लिया π/2 और π/2, तो हमें क्या मिल जाएगा, पाई। और अगर तुमने साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू नहीं लिया, साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स जेड का मैक्सिमम वैल्यू ले लिया, बट अगर तुमने साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू नहीं लिया, तो फिर ये 3π/2 के इक्वल नहीं होगा। ये तीनों का सम 3π/2 के इक्वल तभी होगा जब साइन इनवर्स एक्स भी मैक्सिमम हो, साइन इनवर्स वाई भी मैक्सिमम हो और साइन इनवर्स जेड भी मैक्सिमम हो। तो साइन इनवर्स एक्स मैक्सिमम कब होगा, एट एक्स इज इक्वल टू 1। साइन इनवर्स वाई मैक्सिमम कब होगा, एट एक्स इज इक्वल टू, एट वाई इज इक्वल टू 1। साइन इनवर्स जेड मैक्सिमम कब होगा, एट जेड इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमें क्या पता चला, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, ये तीनों इक्वल है, और किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। हमें क्या बोला, x टू द पावर 218, y टू द पावर 2019 एंड z टू द पावर 2020, इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो x की वैल्यू अगर यहां 1 पुट करोगे तो 1 टू द पावर 2018 क्या होगा, 1। y टू द पावर 2019 क्या होगा, 1। z टू द पावर 2020 क्या होगा, 1। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। अब ये भी इजिली ओरली कैलकुलेट हो जाएगा, यहां से ये 1 + 1 + 1, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या दे रखी है, 1। तो 1 + 1 + 1 = 3 और 9 upon 1 + 1 + 1 = 3। तो 9 upon 3 का वैल्यू 3 और इसका वैल्यू क्या दे रखा है, 3। तो 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया, 3 और सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो गया, 6। क्लियर है ये बात, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि इफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू -1, 1 जो है ये क्या है, ये साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन है, ठीक है। सच डेट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू -3π/2। अभी हम लोग मैक्सिमम की बात कर रहे थे, अब मिनिमम की बात करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -π/2। और किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू होगा, एट एक्स इज इक्वल टू -1। साइन इनवर्स वाई का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -π/2। किस पॉइंट पर मिनिमम होगा, एट एक्स, एट वाई इज इक्वल टू -1। साइन इनवर्स जेड का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -π/2। किस पॉइंट पर मिनिमम होगा, एट जेड इज इक्वल टू -1। तो यहां पे क्या दे रखा है कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स जेड इन तीनों का सम -3π/2 के इक्वल है।
और माइनस थ्री पाई बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब हम साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या ले, इन तीनों का सम माइनस थ्री पाई बाई टू, तब ही पॉसिबल है जब हम साइन इनवर्स एक्स का मिनिमम वैल्यू ले, साइन इनवर्स वाई का मिनिमम वैल्यू ले और साइन इनवर्स जेड का मिनिमम वैल्यू ले। तो इसका क्या मतलब होगा, साइन इनवर्स एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस पाई बाई टू, तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई, माइनस वन। साइन इनवर्स वाई का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस पाई बाई टू, तो यहां से वाई की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस वन। साइन इनवर्स जेड का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस पाई बाई टू, तो यहां से हमें जेड की मिनिमम वैल्यू क्या मिल गई, माइनस वन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तब तो ये बहुत सिंपल हो गया, माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस वन का स्क्वायर, तो क्या हो गया हमें, थ्री। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया। अब ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, ये कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है, ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस है। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे घर पे, डू इट योरसेल्फ, खुद से सॉल्व करोगे, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। ये क्वेश्चन नंबर टू है, ये क्वेश्चन नंबर थ्री है, ये क्वेश्चन नंबर फोर है, इसे आप सॉल्व करोगे घर पे बैठ के सॉल्व करोगे। यहाँ पे दे रखा है साइन इनवर्स वाई एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड प्लस साइन इनवर्स टी इज इक्वल टू टू पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो अब तुम सोच लो ये टू पाई के इक्वल कब होगा, जब साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड और साइन इनवर्स टी, ये चारों किसके इक्वल हो, पाई बाई टू के इक्वल हो, तभी तो होगा ना, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, टू पाई के इक्वल होगा। तो यहां से x की और y और z और t की वैल्यू हमें क्या मिल गई, वन, बिकॉज पाई बाई टू किस पर होगा, साइन इनवर्स x पाई बाई टू किस पे होगा, x इज इक्वल टू वन पे। तो x और y और z और t की वैल्यू हमें वन मिल गई, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, फोर। इसी पैटर्न पे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर टू हो गया, क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, इसमें भी फाइंड द वैल्यू है, इस सब का मैंने आंसर नहीं दिया है, आंसर नहीं लिखा है, बट फिर भी आप इसे सॉल्व करोगे। कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं भी होने चाहिए, उससे हमें क्या होता है कि थोड़ा हम उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, रीजन ये होता है ना कि जिसका आंसर होता है फिर उसमें हम आंसर को मैच करने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग कम निकल ये यूज होता है, बट अगर आंसर नहीं गिवन हो तो फिर हम उसको ध्यान से सॉल्व करते हैं, ये सोच के कि एक ही बार में हमारा आंसर करेक्ट आ जाए, जो हमने निकाला है वो करेक्ट आ जाए, इसीलिए मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है। बट कोई नहीं, अगर तुम्हें डाउट होगा, आंसर तुम्हें चाहिए होगा तो पूछ लेना। तो बच्चों ये हमारा ना फर्स्ट साइन फंक्शन का हमने इनवर्स निकाल लिया। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने ये किया कि सबसे पहले हमने क्या किया कि जो साइन एक्स फंक्शन, जिसको अब जो अपने नेचुरल डोमेन को डोमेन में एक मेनी वन इंटो फंक्शन है, उसके डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट किया। रिस्ट्रिक्ट करने के बाद क्या किया, उसका हमने इनवर्स निकाला। इनवर्स निकालने के बाद फिर हमने उसका ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमने उसके प्रॉपर्टीज पढ़ी कि ग्राफ क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का इंक्रीजिंग होता है। साइन इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो माइनस पाई बाई टू से, साइन इनवर्स का ग्राफ जो होगा उसका डोमेन होगा माइनस वन टू वन, और साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। ठीक है, अब सेम लॉजिक पर, सेम लाइन पर अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे। सेम लाइन पे, अगर तुम्हें साइन इनवर्स एक्स पता है, तुम अगर सीख गए साइन इनवर्स में क्या हमने किया, किस तरह से हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, कैसे इनवर्स निकाला, तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम लाइन पर है, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है आर टू आर, गिवन बाय क्या, हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज अ मेनी वन इंटो फंक्शन। जो कोसाइन फंक्शन है वो अपने नेचुरल डोमेन और कोडोमेन में क्या है, एक मेनी वन इंटो फंक्शन है। ठीक है, इन इट्स नेचुरल डोमेन एंड कोडोमेन। अब इसको भूल जाओ, सिर्फ ग्राफ को देखो। इस ग्राफ से तुम्हें क्या पता चल रहा है, इस ग्राफ से पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है हमारा, ये इस फंक्शन, यहां से ये ग्राफ क्या हो गया, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी जाएगा। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। इस फंक्शन का जो रेंज है वो है माइनस वन टू वन। कॉस फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू क्या लेता है, वन, और मिनिमम वैल्यू क्या लेता है, माइनस वन। कॉस फंक्शन का ग्राफ वन से ऊपर नहीं होगा, माइनस वन से नीचे नहीं होगा। इस फंक्शन का कोडोमेन क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का, सॉरी कॉस थीटा का या कॉस एक्स फंक्शन का कोडोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या है इसका, माइनस वन टू वन। तो कोडोमेन
रेंज के इक्वल तो मिला नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये एक इंटो फंक्शन है, ठीक है। दूसरी बात, ये मेनी वन फंक्शन भी है, बिकॉज तुम अगर देखना ये चाहते हो कि कॉस एक्स फंक्शन का वैल्यू जीरो किस पॉइंट पर होगा, एक पाई बाई टू पर होगा, एक थ्री पाई बाई टू पर होगा, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फाइव पाई बाई टू, तो फाइव पाई बाई टू पर भी क्या हो जाएगा, कॉस एक्स जीरो हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, माइनस टू पाई, माइनस फाइव पाई बाई टू, ऐसे करके ग्राफ जाएगा, ये पॉइंट हो गया हमारा माइनस फाइव पाई बाई टू। तो हमें दिख रहा है ना कि कॉस एक्स का वैल्यू जीरो इनफाइनाइट पॉइंट्स पर हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ये एक मेनी वन फंक्शन है, क्लियर है। तो एक बार हम लोग यहां से देख लेते हैं, हमारे पास एफ फंक्शन है आर टू आर गिवेन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज अ मेनी वन फंक्शन, मेनी वन इंटो फंक्शन इन इट्स नेचुरल डोमेन एंड को डोमेन। तो हमारे पास एफ आर टू आर हमने डिफाइन क्या किया, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये मेनी वन इंटो फंक्शन है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसके को डोमेन को उसके रेंज से, कॉस फंक्शन के रेंज से रिप्लेस कर दिया। अगर किसी भी फंक्शन के को डोमेन को उसके रेंज से रिप्लेस कर दोगे तब तो वो फंक्शन ऑन्टो हो गया। तो यहां पे हमारा जो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है वो हमारा क्या हो गया, मेनी वन ऑन्टो फंक्शन। अभी भी हम इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते, बिकॉज इन्वर्स कब निकलेगा, जब वो वन वन भी हो, इंजेक्टिव भी हो, ऑन्टो भी हो, ठीक है। तो अभी तो ये हमारा मेनी वन ऑन्टो फंक्शन है, अब इसे वन वन कैसे बनाएंगे, वन वन बनाने के कई रास्ते हैं। तो ऐसे ध्यान से देखो, अगर ये जो ग्राफ है ना हमारा माइनस पाई से लेके जीरो तक, देखो ये ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऐसे करके इंक्रीज कर रहा है, तो वन वन फंक्शन है। फिर तुम अगर जीरो से लेके पाई तक देखो, एक ग्राफ जो हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीज कर रहा है। तो मैंने बोल ऑलरेडी बता रखा है कि अगर फंक्शन का ग्राफ या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तो फंक्शन क्या होता है, वन वन होता है। पाई से लेके टू पाई देखो, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फंक्शन का ग्राफ क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन। अब यहां से पाई से लेके टू पाई तक, अगर तुमने डोमेन को पाई से लेके टू पाई तक रिस्ट्रिक्ट किया तो कॉस फंक्शन अपने रेंज के हर एक वैल्यू को ले लेगा, माइनस वन टू वन ले लेगा। इसका मतलब कि अगर मैं कॉस फंक्शन के डोमेन को पाई टू टू पाई रिस्ट्रिक्ट करूं तो ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। अगर मैं कॉस फंक्शन के डोमेन को जीरो से लेके पाई तक रिस्ट्रिक्ट करूं तो भी ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। देख लो, जीरो से लेके पाई तक कॉस फंक्शन का जो रेंज है, ये कॉस फंक्शन जो है अपने रेंज के हर एक पॉइंट को ले रहा है। देख लो, जीरो पे वन है और पाई पे क्या हमारा माइनस वन, साथ में ये फंक्शन क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो वन वन भी है। अगर मैं डोमेन को माइनस पाई से जीरो तक रिस्ट्रिक्ट करूं तो भी कॉस जो फंक्शन होगा अपने रेंज के हर एक पॉइंट को ले लेगा और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो वन वन भी है। अगर मैं कॉस फंक्शन के डोमेन को माइनस टू पाई से लेके पाई तक रिस्ट्रिक्ट करूं तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो भी ये क्या करेगा, अपने डोमेन के हर एक पॉइंट को ले लेगा, डोमेन के अपने हर एक पॉइंट को ले लेगा, और साथ में फंक्शन वन वन भी है, तो बाइजेक्टिव हो गया। तो इसका कहने का ये मतलब है कि अगर मैंने कॉस फंक्शन के को डोमेन को रेंज से रिप्लेस कर दिया तो फंक्शन ऑन्टो हो गया। अब अगर मैंने कॉस फंक्शन के डोमेन को जीरो से पाई तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो फंक्शन वन वन भी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। अगर मैंने कॉस फंक्शन के डोमेन को पाई से टू पाई तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो वन वन हो गया, अगेन बाइजेक्टिव हो गया। माइनस पाई से जीरो तक रिस्ट्रिक्ट किया, अगेन फंक्शन वन वन बाइजेक्टिव। माइनस टू पाई से माइनस पाई तक रिस्ट्रिक्ट किया, अगेन फंक्शन वन वन एंड बाइजेक्टिव। तो इसका ये मतलब है कि हम कॉस फंक्शन को वन वन बनाने के लिए डोमेन को कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जीरो से पाई भी कर सकते हैं, पाई से टू पाई भी कर सकते हैं, माइनस पाई से जीरो भी कर सकते हैं, माइनस टू पाई से माइनस पाई भी कर सकते हैं। इन सारे केसेस में क्या हो जाएगा, हमारा कॉस फंक्शन वन वन हो जाएगा। और ऑन्टो तो ऑलरेडी बना चुके हैं, कॉस फंक्शन के को डोमेन को रेंज से तो हमने ऑलरेडी रिप्लेस कर रखा है, तो ऑन्टो तो ऑलरेडी है, ठीक है। यहां पे क्या बोला जा रहा है, अगर हमारे पास फंक्शन जीरो टू पाई से लेके माइनस वन से वन के बीच में एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स के लिए इसके को डोमेन को डोमेन बना दिया, डोमेन को डोमेन बना दिया, एफ इन्वर्स एक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉस इन्वर्स एक्स। ये एक हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये भी हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हमारा एफ फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो उसका इन्वर्स भी बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या प्रॉपर्टी बताया था कि f इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x होता है, किसके डोमेन में, f इनवर्स ऑफ f, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है, एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि f इनवर्स
ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स क्या होता है, ये एक्स के इक्वल होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, और एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या होता है, ये भी एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। इसी प्रॉपर्टी को यहां पे यूज किया गया है। देख लो एफ इनवर्स का काम क्या कर रहा है, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा। अब यहां से थीटा किसके डोमेन का होगा, कॉस थीटा के डोमेन का होगा। हमने अभी कॉस फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाने के लिए डोमेन कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट किया, जीरो टू पाई। अब कोई बोलेगा कि जीरो से पाई तक ही क्यों किया, तो इसका जवाब मैंने साइन इनवर्स में भी दे रखा है। एक तो कहीं ना कहीं तो करना ही था, किसी ना किसी डोमेन के इंटरवल को तो लेना ही था जिसमें हमें हमें कॉस को बाइजेक्टिव बनाना था, तो हमने जीरो से पाई ले लिया। एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर ये है कि जीरो से पाई लेने का बेनिफिट क्या हुआ कि कुछ जो प्रॉपर्टीज होती है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज, वो थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाती है। इसीलिए हमने कॉस के डोमेन को कहां से कहां तक लिया, जीरो टू पाई। लेने को पाई से लेके थ्री टू पाई भी ले सकते थे, माइनस पाई से जीरो भी ले सकते थे, पाई का इंटरवल ले सकते थे, बट हमने क्या लिया, जीरो से पाई, ठीक है। और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स के। अब ये एक्स कहां से आएगा, कॉस इनवर्स के डोमेन से। अब कॉस इनवर्स का डोमेन क्या है, माइनस वन टू वन, तो एक्स क्या हो गया, बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, ठीक है। अब यहां पे क्या है, क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉस एक्स इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब यहां से ग्राफ से हमारे पास क्लियर है, अगर हमने डोमेन को जीरो से पाई रखा, ये जो हमारा पॉइंट है दिस इज पाई, इसको अगर हमने पाई रखा तो जीरो से पाई के बीच में कॉस एक्स क्या हो जाएगा, हमारा एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो देख लो यहां पर हमने क्या किया, पाई के आगे और जीरो से पहले के ग्राफ को हटा दिया, तो जीरो से पाई के बीच में कॉस हमारा क्या हो गया, एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। तो यहां पे हमने क्या लिखा, एफ थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और डोमेन क्या ले लिया, जीरो टू पाई, और रेंज क्या हो गया, माइनस वन टू वन। अब इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, मतलब उसके, ये तो हमारा कॉस थीटा का ग्राफ हो गया, अब हमें कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, वही बात जो हमारा कॉस एक्स का ग्राफ है या जो कॉस थीटा का ग्राफ है उसका मिरर इमेज ले ले, किस लाइन पे, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन पे। तो इस ग्राफ का जब तुम मिरर इमेज लोगे ना वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन पे, तो ये ग्राफ मिल जाएगा हमें। ये किसका ग्राफ है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब बाय डिफॉल्ट जब भी हम कॉस इनवर्स की बात करेंगे ना, तो उसका जो डोमेन होगा वो माइनस वन टू वन होगा, और जो को डोमेन होगा जीरो टू पाई। जब भी हम कॉस इनवर्स की बात करेंगे तो हम मान लेंगे कि हमने जो कॉस फंक्शन है ना उसके डोमेन को जीरो से लेके पाई तक रिस्ट्रिक्ट करके उसका इनवर्स निकाला है, चाहे वो क्वेश्चन में गिवन हो या ना गिवन हो। हम हमेशा क्या मानेंगे कि अगर मैं बोलूं कि कॉस इनवर्स थीटा, तो जैसे ही मैंने कॉस इनवर्स थीटा बोला तो डोमेन तो माइनस वन टू वन हो जाएगा, और रेंज क्या होगा, जीरो टू पाई। अगर मान लो, अगर सपोज दैट हमने कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन के डोमेन, कॉस फंक्शन के डोमेन को पाई से लेके टू पाई तक रिस्ट्रिक्ट किया होता, तो फिर कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन का रेंज क्या आ जाता, रेंज उसका आ जाता पाई से लेके टू पाई। डोमेन तो हमेशा माइनस वन से वन होगा, बट रेंज क्या आ जाता पाई से टू पाई। बट हमने क्या किया है, कॉस फंक्शन के डोमेन को कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट किया, जीरो टू पाई। तो जब भी कॉस इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन का जो रेंज होगा ना वो हमेशा जीरो से पाई ही होगा। इस बात को याद रखना है, क्वेश्चन में गिवन हो ना हो, हम बाय डिफॉल्ट मानेंगे क्या कि रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज जीरो टू पाई, इंक्लूडिंग जीरो इंक्लूडिंग पाई। जैसे हम लोग बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, इंक्लूडिंग माइनस पाई बाई टू इंक्लूडिंग पाई बाई टू। सेम लाइन पे कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन का रेंज क्या होगा, जीरो टू पाई बाय डिफॉल्ट, गिवन हो या ना गिवन हो, ठीक है। तो इसका जब हमने मिरर इमेज लिया ना वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन पे, तो ये हमें ग्राफ मिल गया, ठीक है। अब इस ग्राफ में तुम ऐसे देख लो, कॉस फंक्शन का वैल्यू जीरो पर क्या है, वन, तो इनवर्स का क्या होगा, वन पर जीरो। देख लो यहां पे कॉस फंक्शन का वैल्यू पाई बाय टू पर क्या है, सॉरी, कॉस फंक्शन का वैल्यू पाई बाय टू पे क्या है, जीरो, तो इनवर्स का क्या होगा, जीरो पे देख लो पाई बाय टू। कॉस फंक्शन का वैल्यू पाई पर क्या है, माइनस वन, तो इनवर्स का माइनस वन पे देख लो पाई है, ठीक है।
ये इसका मिरर इमेज हो गया, ये हमारा क्या हो गया कॉस इनवर्स एक्स का कर्व हो गया, और ये क्या हो गया कॉस थीटा का कर्व हो गया। अच्छा जनरली ये ऑलरेडी बता चुका हूं कि जनरली फंक्शन जो होता है ना उसको कॉस जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसके आर्गुमेंट को हम जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इनवर्स के आर्गुमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहां पे भी तुम थीटा लिख सकते हो, यहां पे भी एक्स लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये बात आ गई होगी समझ में। अब आ जाओ बच्चों नोट नंबर वन में। नोट नंबर वन में क्या बोल रहा है, इन द अबव डिस्कशन वी हैव रिस्ट्रिक्टेड द डोमेन ऑफ कोसाइन फंक्शन टू द इंटरवल 0 to π। हमने कोसाइन फंक्शन के डोमेन को कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट किया, 0 to π टू मेक इट अ बाइजेक्शन। ठीक है, 0 से लेके पाई तक रिस्ट्रिक्ट किया इसे बाइजेक्शन बनाने के लिए। इन फैक्ट वी कैन रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन इन द इंटरवल दिस n belongs to z, then also it is a bijection। देखो जैसे कोई इंटरवल अगर तुम रिपीट करवाना चाहते हो ना, जैसे कि ये 0 to π, अगर इस इंटरवल में भी ना तुम cos, इसमें से n का वैल्यू क्या है, इंटीजर है, कोई भी एक इंटीजर ले लो, मान लो कि n का वैल्यू 1 ले लिया, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा पाई, यहां 1 लेंगे तो पाई प्लस पाई 2π, तो पाई से 2π भी अगर रिस्ट्रिक्ट करते, देख लो पाई से लेकर 2π तक भी रिस्ट्रिक्ट करते, तो भी हमारा कॉस फंक्शन क्या हो जाता, बाइजेक्टिव हो जाता। एन का वैल्यू अगर तुमने -1 लिया तो यहां क्या मिलेगा -π, और यहां अगर -1 लोगे -π प्लस पाई क्या हो जाएगा 0, तो -π टू 0 भी देख लो, -π टू भी 0, इस डोमेन में भी हमारा कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन क्या हो जाता, बाइजेक्टिव हो जाता। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि 0 से पाई हमने रिस्ट्रिक्ट किया ना, अब कॉस फंक्शन का पीरियड क्या होता है 2π होता है, 2π होता है ना पीरियड कॉस फंक्शन का, तो हमें क्या करना है कि अगर हम चाहते हैं कि एक पाई वाला इंटरवल रिपीट होने लगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे m π ऐड कर देंगे। जैसे यहां तक यहां से हमने 0 से लेके पाई एक इंटरवल लिया, अब यही अगर इंटरवल चाहेंगे कि पाई से लेके 2π हो, -π से लेके 0 हो, फिर -2π से लेके -π हो, तो हम लोग क्या करेंगे 0 से पाई जो इंटरवल एक ले लिया उसमें 0 प्लस n π और पाई प्लस n π कर देंगे, तो ये इंटरवल रिपीट होने लगेगा, फिर पाई से 2π हो जाएगा, 2π से 5π/2 ये 3π हो जाएगा, ऐसे इंटरवल रिपीट होने लगेगा। समझ में आ रही है बात, जैसे कि 0 से लेके पाई तक था तो 0 प्लस n π, पाई प्लस n π ऐड कर देंगे इसके इंटरवल में, यहां भी n π ऐड कर देंगे, यहां भी n π ऐड कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि ये सारे इंटरवल आने लगेंगे, पाई लेंथ का इंटरवल आने लगेगा। तो देख लो ये क्या हमारा एक इनफिनाइट इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी इंटरवल में हम कॉस फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, इस इंटरवल में कोई भी एन का वैल्यू ले ले वहां से एक इंटरवल आ जाएगा, उस इंटरवल में अगर हम कॉस फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कितने इंटरवल हैं जिसमें हम कॉस फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो वो बाइजेक्टिव हो जाए, ऐसे इनफिनाइट फंक्शन ये इनफिनाइट इंटरवल्स है, बट हम उन इनफाइनाइट इंटरवल्स में से एक ही इंटरवल लिया है 0 to π, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग पाई, जिसमें हम कॉस फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके उसका इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, अब ये सब बाकी भूल जाओ कि हम पाई से 2π भी ले सकते थे, -π से पाई भी ले सकते थे, सब भूल जाओ, बस याद क्या रखना है कि जब भी हम कॉस फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे बाइजेक्टिव बनाने के लिए तो उसके डोमेन को हमेशा हम 0 से π में ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग पाई, बस इतना याद रखो। ठीक है, अब यही बात बताया जा रहा है कि पाई से 2π भी रिस्ट्रिक्ट करोगे, -1 to 1 लोगे एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा fx = cos x, 2π से 3π ले लोगे -1 to 1 इसका अगर कोडोमेन रखोगे fx = cos x तो भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, -π से 0 रखोगे तो भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, -2π से -π अगर कॉस फंक्शन के डोमेन को रखोगे तो भी ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, हर केस में बाइजेक्टिव हो जाएगा। एक्चुअली इन सारे जो इनफाइनाइट इंटरवल्स को मैंने लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूं कि अगर मैं n π से लेके पाई प्लस n π का एक इंटरवल बनाओ, उसमें से n, वेयर n इज एन इंटीजर, तो इस इंटरवल में हमारा cos x फंक्शन क्या हो जाएगा, एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है, अब बच्चों आ जाओ नोट नंबर 2 में। नोट नंबर 2 में क्या बोल रहा है, द ब्रांच ऑफ cos इनवर्स,
जीरो टू पाई से लेके माइनस वन टू वन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एंड द वैल्यू जो ब्रांच होगा ना कहां से कॉस इनवर्स एक्स का जीरो से पाई ये हमारा क्या हो गया फंक्शन का कॉस इनवर्स एक्स जो हमारा जीरो टू पाई से लेके माइनस वन टू वन ये जीरो टू पाई नहीं होगा ये रिवर्स है माइनस वन टू वन ये नहीं होगा बच्चे देखो ये जो है ना बाय मिस्टेक रिवर्स लिखा गया है जो कॉस इनवर्स एक्स का जो कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ठीक है कॉस इनवर्स एक्स हमारा क्या होता है माइनस वन से वन माइनस वन टू वन से लेके कहां तक होता है जीरो टू पाई इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसे हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं एंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स बोलने का क्या मतलब हुआ कॉस इनवर्स एक्स बोलने का मतलब वाई ठीक है इसका मतलब ये वाई किस में मिलेगा ये वाई हमें जीरो टू पाई में मिलेगा ये वाई है ना कॉस इनवर्स एक्स तो वाई है एक्स का वैल्यू क्या होगा माइनस वन से वन के बीच में होगा कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल है वाई के इक्वल है तो ये वाई किस में मिलेगा जीरो से पाई के बीच में मिलेगा ठीक है तो यही बोला जा रहा है कॉल द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू फॉर एक्स इस पूरे कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे मतलब वाई की वैल्यू क्या बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे और ये एक्स हमारा क्या होगा माइनस वन से वन के बीच में होगा मतलब क्या है कि अगर मैं तुम्हें कॉस इनवर्स एक्स दिखा के बोलूं कि कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा कहां से कहां तक लाई करेगा मतलब कॉस इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज क्या होगा तो तुम बोलोगे जीरो टू पाई समझ में आ रही है बात प्रिंसिपल वैल्यू एक्स तो माइनस वन से वन में एक्स तो माइनस वन से लेके वन के बीच में होगा इंक्लूडिंग माइनस वन इंक्लूडिंग वन बट कॉस इनवर्स एक्स जो वाई के इक्वल है वो जीरो से पाई के बीच में होगा इंक्लूडिंग जीरो इंक्लूडिंग पाई तो अगर तुमने कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू जीरो से पाई के बीच में इस इंटरवल में निकाला तो हम उसे क्या बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे कॉस इनवर्स एक्स का क्या बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे तो ये जो ब्रांच दिख रहा है ना तुम्हें कॉस इनवर्स एक्स का इसे हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं ठीक है अगर हम जीरो से पाई के बीच में कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू निकाले तो उसे हमें क्या बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू तो यही बोला जा रहा है वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन ठीक है ये बात आ रही है समझ में फिर से एक बार जैसे मैं अगर बोलूं कि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा या साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा तो साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू के बीच में लाई करेगा इंक्लूडिंग माइनस पाई बाई टू इंक्लूडिंग पाई बाई टू सेम लाइन पर कॉस इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा मतलब जो वाई का वैल्यू होगा वो जीरो से पाई के बीच में लाई करेगा इंक्लूडिंग जीरो इंक्लूडिंग पाई ये बोला जा रहा है ठीक है अब नोट नंबर थ्री देख लो नोट नंबर थ्री में हमने क्या किया एक हमने फंक्शन ले लिया ठीक है अब इनवर्स नहीं लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स भी तो एक फंक्शन है ना ठीक है कॉस इनवर्स एक्स भी फंक्शन है तो इसको हमने एफ एक्स बोल दिया ठीक है अब हमने इसके कोडोमेन को क्या ले लिया एन पाई से लेके पाई प्लस एन पाई डोमेन तो हमेशा कॉस इनवर्स एक्स का माइनस वन टू वन होगा ये तो वैरी करेगा नहीं कोडोमेन को हमने क्या ले लिया एन पाई से लेके पाई प्लस एन पाई तो इसमें क्या होगा इस पूरे अगर हमने कोडोमेन को ये लिया है तो कॉस इनवर्स एक्स जो फंक्शन होगा मतलब कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू इस इनफाइनाइट इंटरवल में से कोई भी एक इंटरवल में लाई कर सकता है अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू ना कंसीडर करें तो मतलब क्या होगा कि अगर मैंने कॉस एक्स फंक्शन को जैसे यहां पे तुम देख लो कॉस एक्स फंक्शन को अगर मैंने कॉस एक्स फंक्शन को पाई टू टू पाई अगर डोमेन को पाई से लेकर टू पाई तक लिया तो फिर कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी पाई से टू पाई के बीच में होगी अगर मैंने कॉस एक्स फंक्शन को माइनस पाई से लेके जीरो के बीच में रिस्ट्रिक्ट करके उसका इनवर्स निकाला तो फिर जो कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी
वो माई वो क्या होगी, माइनस पाई से लेके जीरो के बीच में होगी। अगर मैंने कॉसेक्स फंक्शन को माइनस टू पाई से लेके माइनस पाई तक रिस्ट्रिक्ट करके क्या निकाला, इनवर्स निकाला, तो फिर कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, माइनस टू पाई टू माइनस पाई, ठीक है ना। ये तो कॉस का डोमेन हो जाएगा ना, बट कॉस इनवर्स एक्स का तो रेंज हो जाएगा ना, तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, माइनस टू पाई टू माइनस पाई, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है इसमें कि अगर हम लोग डोमेन को कॉस इनवर्स एक्स के डोमेन को क्या ले लें, या फिर तुम ऐसे देख लो कि अगर मैं कॉस एक्स फंक्शन के डोमेन को ये ले लूं तो और उसके रेंज को ये ले लूं, तो उसका जो इनवर्स फंक्शन होगा कॉस इनवर्स एक्स, उसका रेंज क्या हो जाएगा, एन पाई से लेके पाई प्लस एन पाई। तो अगर मैंने ये फंक्शन लिया कॉस इनवर्स एक्स, तो उसका ग्राफ कैसा दिखेगा, ये ग्राफ दिखेगा, ठीक है। ये ग्राफ कब तक, कब आया, जब हमने कॉस फंक्शन के डोमेन को जीरो से पाई तक रिस्ट्रिक्ट किया। अगर हम कॉस एक्स फंक्शन के डोमेन को पाई से लेके टू पाई तक रिस्ट्रिक्ट करते, तो फिर कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ क्या दिखता, हमें इतना दिखता, ठीक है। अगर हम कॉस एक्स फंक्शन को माइनस टू सॉरी माइनस पाई से लेके जीरो तक रिस्ट्रिक्ट करते, तो फिर कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ हमें कितना दिखता, इतना दिखता, ये हो जाता। अगर हम कॉस एक्स फंक्शन को माइनस टू पाई से लेके माइनस पाई, कॉस एक्स फंक्शन के डोमेन को माइनस टू पाई से लेके माइनस पाई तक रिस्ट्रिक्ट करते, तो फिर हमें कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ कितना दिखता, ये दिखता, ये दिखता, तो फिर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाता। बट हमने क्या किया, कॉस एक्स फंक्शन को जीरो से लेके पाई तक रिस्ट्रिक्ट किया, फिर इनवर्स निकाला, तो जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आ रहा है वो ये आ रहा है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलने का मतलब ये जो हमारा है रियल में कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ये भी हो सकता था अगर हम कॉस एक्स फंक्शन के डोमेन को पाई से लेके टू पाई तक रिस्ट्रिक्ट करके डोमेन ये इनवर्स निकालते, ये भी हो सकता था अगर हम कॉस एक्स फंक्शन के डोमेन को माइनस पाई से लेके जीरो तक रिस्ट्रिक्ट करके उसका इनवर्स निकालते, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाता। ये बात आ रही है समझ में, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का कर्व हो गया, इसमें हमारा डोमेन क्या हो गया माइनस वन टू वन, को डोमेन क्या हो गया ये हो गया, तो ये फिर पूरा कर्व आ जाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में, अगर मैं इसमें n का वैल्यू जीरो ले लूं तो ये वाला हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आ जाएगा, अगर मैं n का वैल्यू वन ले लूं ना तो फिर क्या हो जाएगा पाई टू टू पाई, तो पाई टू टू पाई, फिर ये ब्रांच आ जाएगा। अगर मैं n का वैल्यू माइनस वन ले लूं तो फिर कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस पाई टू जीरो, तो माइनस पाई टू जीरो, ये ब्रांच आ जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे के लिए एन इज इक्वल टू जेड के लिए हमारा ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा कॉस इनवर्स एक्स का। ये कब दिखेगा, जब हमने रेंज को लिया एन पाई से लेके एन पाई प्लस पाई लिया, तब जाके हमारा ग्राफ दिखेगा। और अगर हमने एन का वैल्यू जीरो ले लिया तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे ये ग्राफ में क्या किया है, इस ग्राफ में मैंने कॉस एक्स फंक्शन को और कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन को, इस कर्व को और इस कर्व को एक ही इस पे एक्स वाई प्लेन पर प्लॉट किया, इस दोनों कर्व को, तो ये ऐसा हो जाएगा। ये जो हमारा कर्व देख रहे हो ना, ये कॉस एक्स का कर्व है, और ये जो कर्व देख रहे हो ये कॉस इनवर्स एक्स का कर्व है, इसका कर्व है। जब हमने रेंज को क्या लिया है एन पाई से लेके एन पाई प्लस पाई, ये जब रेंज लिया है तो फिर ये कर्व आ रहा है, तो इस दोनों कर्व को हमने एक ही एक्स वाई प्लेन पर हमने प्लॉट कर दिया। ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि ये दोनों कर्व का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो लाइन इज इक्वल टू लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स पर होगा, पहली बात कॉस। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि कॉस एक्स फंक्शन का वैल्यू यहां पे पाई बाई टू पर जीरो होगा, कॉस एक्स फंक्शन का वैल्यू, और कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन का वैल्यू जीरो किस पर होगा बताओ, जीरो किस पर होगा, ये वन पर होगा, ये पॉइंट हमारा वन है, और वन ऑब्वियस सी बात है पाई बाई टू से छोटा है। अब फिर कॉस एक्स फंक्शन का वैल्यू, कॉस एक्स फंक्शन का जो वैल्यू है जीरो पर क्या है वन है, और कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन का वैल्यू जीरो पे क्या है पाई बाई टू है, पाई बाई टू वन से बड़ा है, ठीक है। तो इस दोनों कर्व को हमने एक एक्स वाई प्लेन पर प्लॉट कर दिया, ठीक है।